हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। और आज जो है मैं गाजर का हलवा का रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन कुछ डिफरेंस में। और इसमें मैंने जो है चीनी के जगह मैंने इसमें गुड़ मिलाया है और डिनर रूटीन भी शेयर किया है। और आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। और गुड़ वाली जो ये हलवा है तो बहुत ही अच्छी बनी थी। और अभी लास्ट में आपको मैं इसका जो कलर स्ट्रक्चर जो भी है मैं दिखाऊंगी कि कितना अच्छे से ये बना था। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी को देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को और पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पब्लिश करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो पब्लिश करने में थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि मुझे कल ही वीडियो पब्लिश कर देना चाहिए, बट मैं एडिट नहीं कर पाई। और क्योंकि थोड़ी सी, जैसा आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सर्दी जुकाम मुझे हुआ है, तो बस यही रीज़न था कि थोड़ा सा आवाज़ वगैरह जब ओवरवाइज करती तो थोड़ा सही नहीं था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा डिले कर दिया। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है जितनी रोटियाँ बनानी है, और मैंने ये रख लिया है। और जो भी आटे हैं मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी मॉर्निंग के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में बाबू का स्कूल रहता है तो सुबह में और भी काम होते हैं, तो थोड़ा सा मेरा जो एक काम जो है वो कम हो जाएगा। और ये जो आटा है, अगर आपको रोटियाँ परफेक्ट बनानी हो तो आटा जब भी गूंदिए तो 15 से 15 मिनट बाद ही रोटियां बनाइए, उससे जो हैं रोटियां जो हैं काफ़ी मुलायम और अच्छी बनेंगी। तो सब्ज़ी बन गई है, अभी मैं सब्ज़ी दिखाऊंगी। और यहां पे मैंने तवा रखा है और ये मैं घी में भूनने के बाद ये यहां पे मैं इसमें 1 लीटर के आसपास जो है दूध मैं डाल रही हूँ गाजर के हलवे में, और उसको खूब मैं उसको पकाऊंगी जब तक वो थोड़ा सा जो दूध है वो गल के कम ना हो जाए। और उसके बाद रोटियां मैं लगी थोड़ी देर बाद बनाने, और बीच बीच में जो भी है गाजर का हलवा है उसको भी मैं उसमें चेक करती भी रह रही थी, और हस्बैंड भी हैं पास में वो भी उसको देख रहे थे, चला रहे थे। और ये रोटियां भी मेरी देखिए कितनी परफेक्ट और मुलायम बनी है। इस बार मैं चिमटे से नहीं फुलाई क्योंकि थोड़ा सा समय था मेरे पास, तो जैसा समय रहता उस हिसाब से मैं रोटियों को जो है करती हूँ। और यहाँ पे फिर मैं जब दूध आधे से अधिक जल गया है तो इसमें मैं गुड़ डाल रही हूँ, और इससे जो है देखिए दूध काफ़ी कम हो गया है। और ये गुड़ मैंने डाला है और जितना मुझे इसमें मीठा चाहिए उतना मैंने डाला है, जितना आपको उसमें ज़रूरत हो उतना आप भी डाल सकती हैं। और इसमें जो है घी मैंने स्टार्टिंग में ही डाल दिया है, अगर आप चाहें तो बाद में भी जब भूनते समय इसमें घी डाल सकते हैं। और देखिए लगभग हो गया है, बस थोड़ी देर और बाकी है। और यहाँ पे मैंने काजू बादाम को क्रश किया है और उस मैं इसको इसमें डाल दूँगी। जब गुड़ गल जाएगा अच्छी तरह से तभी जो ड्राई फ्रूट्स हैं इसको इसमें डालने हैं। और उसके बाद ये सब्ज़ी देखिए हम लोग की राजमा की सब्ज़ी और बनी है, बहुत अच्छी बनी है। और ये आज जो है गाजर के हलवे में गुड़ डाल के मैं भी पहली बार ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ कि कैसा होता है। मैंने फर्स्ट टाइम ये आज ट्राई किया और मैं स्वाद बताऊँगी कि कैसा है इसका स्वाद। तो सारी चीज़ें बन गई हैं, रोटी भी बन गया, सब्जी भी बन गई है, बस इसको भी थोड़ा सा और इसको सुखाना है तो ड्राई हो जाए, तो फिर भून के फिर हम लोग डिनर करते हैं। क्योंकि कभी कभी जीवन में जो है कुछ चेंज करते रहना चाहिए और ट्राई करते रहना चाहिए। कभी कभी होता है ना कि कोई चीज़ जो बहुत अच्छी हो जाए तो वो चीज़ फिर हम अगले के लिए भी सजेशन देते हैं कि हाँ ये चीज़ मैंने ऐसे किया तो ऐसे हो गया। बस हो गया है, थोड़ा सा बस बाकी है। कमेंट ज़रूर आप लोग करिएगा, मैं भी इसका स्वाद बताऊंगी फाइनली कि कैसा बना है।
थोड़ा सा और बाकी है, ये हो जाए उसके बाद। और ये फाइनली हो गया है और भुना भी गया अच्छे से, कलर बहुत अच्छा आया है इसका, आप देख सकते हैं कलर जो है इसका बहुत अच्छा आया है। अब थोड़ी सी मैंने मलाई भी डाली थी दूध की, तो उससे भी गुड़ डालने से कलर बहुत प्यारा आया है। अब देखती हूँ खाने में कैसा है, थोड़ी सी मैंने निकाली। अच्छा बना है और आप लोग भी गुड़ डाल के एक बार जरूर ट्राई करिए। और थोड़ी सी जो गुड़ की जो खुशबू होती है वो आ रही है, तो बट बहुत अच्छा है, स्वाद अच्छा है इसका, मतलब आप बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डिनर वगैरह हम लोग का भी हो गया है, बस मैं भी ये हलवा खाती हूँ और किचन क्लीनिंग वगैरह मेरा सारा हो गया है और स्लैप वगैरह मैंने पोछ दिया है। तो फिर मैं आप लोगों से अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।